गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पुरंदर की संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पुरंदर की संधियां भी दो हुई हैं, तो कई बार मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिएगा, जो पुरंदर की जो पहली संधि थी वह है शिवाजी और जो कछवाहा राजा जय सिंह था, इनके बीच हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को, ठीक है। और अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यह है आपकी पुरंदर की संधि, जो 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी और ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो देखिएगा, कल हमने आपको पढ़ाया था सूरत की संधि के बारे में और आंग्ल मराठा युद्ध हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा, जो सूरत की संधि है यह है 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और राघोबा के बीच में हुई थी, ठीक है। ये हमने आपको पहले पढ़ाया, यदि आप पहले वाले वीडियो को ढंग से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो राघोबा है, रघुनाथ राव है, वह है एक गद्दार टाइप का मतलब मराठा सरदार होता है, सॉरी वो मतलब जो राघोबा है यह है एक गद्दार टाइप का पेशवा होता है और यह है अपने मतलब भाई माधव राव की मौत के बाद, खुद मतलब मृत्यु के बाद खुद यह है पेशवा बनना चाहता है और वह माधव राव के भाई नारायण राव की हत्या करवा देता है। लेकिन जो ये मराठे सरदार हैं, जैसे महाजी सिंधिया है, नाना फडणवीस है, ये है ये मतलब ये एक वफादार मराठा सरदार थे, ये इसको अपनी मनमानी नहीं करने देना मतलब ये नहीं मतलब ये गद्दारी नहीं पसंद करते और इसे यहाँ से भगा देते हैं। और माधव राव जो नारायण राव का बेटा था, माधव राव सेकंड, उसको पेशवा बनाते हैं। लेकिन माधव राव सेकंड है वह बहुत ही छोटा होता है, तो मतलब उसका पालन पोषण उसकी माता करती है और उनका जो संरक्षक है वो नाना फडणवीस को नियुक्त किया जाता है। तो जो राघोबा है वो भागकर अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और वहां पर वह अंग्रेजों से मिलके और सूरत की संधि करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये 18 मई 1775 ईस्वी को होता है। तो मतलब सूरत की जो संधि हुई थी उसकी शर्त के अनुसार जो बम्बई की सरकार है वह एक शक्तिशाली सेना रघुनाथ राव की सहायता के लिए मतलब भेजेगी। और फिर क्या होता है कि जो शक्तिशाली सेना जो अंग्रेज भेजते हैं वो मतलब 18 मई 1775 ईस्वी को अंग्रेज और मराठों के मध्य उस मतलब एक युद्ध होता है, यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि मराठे हैं वो हारते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जब मराठे हार जाते हैं तो उनको मतलब अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है और यह संधि पुरंदर की संधि कहलाती है, जो आपकी 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी और यह संधि नाना फडणवीस और ये आपके ये अंग्रेजों के बीच में होती है। तो इस इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, पुरंदर की संधि, तो बंगाल काउंसिल ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बंद करने का आदेश दिया, फिर भी युद्ध बंद नहीं होता है। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल ऑप्टन को मराठों से बातचीत करने के लिए पुणे भेजा। ऑप्टन के पुणे पहुंचने पर युद्ध बंद हो गया। पुणे में ऑप्टन मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, क्यों? क्योंकि ऑप्टन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया तथा वह सालसेट और बसीन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, ठीक है। अब देखिएगा, जो इनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वह वार्ता असफल हो गई और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। मराठों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध आधम का। मराठे दो मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 ईस्वी को पुरंदर की संधि कर ली। अब देखिएगा, जो पुरंदर की संधि है उसकी शर्तें क्या क्या थी। अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा और गुजरात में कोपरगाम में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं वे अंग्रेजों के पास ही
रहेंगे। पुरंदर की संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए, किंतु बंबई सरकार तथा वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदाशिव को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। अब मराठे अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे। स्थिति उस समय और भी अधिक जटिल हो जाती है जब 1778 ईस्वी में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा। मराठों ने उसका शानदार स्वागत किया, किंतु जब अंग्रेज राजदूत मोटसन पुणे पहुंचा तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। ठीक है, अतः यह अफवाह फैलने लगी कि मराठों और फ्रांसीसियों में संधि हो गई। उधर मोटसन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मोरोपा को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। सुखराम बापू जो पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से बंबई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह भी मदद देने को तैयार है। अतः बंबई सरकार ने कहा कि चूंकि पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, इसलिए पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंबई सरकार का समर्थन किया। यद्यपि मराठों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों के साथ उनकी कोई संधि नहीं हुई है और सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया गया है, किंतु हेस्टिंग्स ने मार्च 1778 में बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा मतलब संधि कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि संधि का उल्लंघन सारे करते आए हैं। तो क्या होता है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका भी किसी ने कोई मतलब वो पालन नहीं किया, और फिर से मतलब मार्च 1778 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होता है। तो हमने जो भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं वो सारे के सारे वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो आगे हम आपको अभी जो भी इन युद्धों के अंदर संधियां हुई हैं उनके बारे में ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिएगा जो इतिहास में जो भी संधियां हुई हैं वे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः है आप इन संधियों को ढंग से पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हमारे लायक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम भी मतलब इम्प्रूवमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।